मुरादाबाद जनपद के कुनरकी नगर के डेंगरपुर संभल की हालत लगातार 10 साल से खराब है। वहां से गुजरने वाले वाहन और लोग अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बरसात का पानी मार्ग में भर जाने के कारण दिक्कत और बढ़ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि समस्या को ऐसे ही बरसों से झेल रहे हैं। वहां से गुजर रही एम्बुलेंस चालक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी वहां से गुजरने में बेहद दिक्कत होती है। गहरी गहरी गड्ढों की वजह से कई बार वहां से गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो गई। इस मार्ग से दर्जनों गांव जुड़े हैं और यही मार्ग संभल मुरादाबाद और आगरा नेशनल हाईवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। क्या नाम आपका? मोहम्मद समीर। कहाँ से आ रहे हो आप? कितने दिन से खराब पड़ा है? 4-5 साल हो गए। कैसे आए? बहुत दिक्कत से है। गैर 10 साल हो गए, लेकिन अब जो है ना, अब ज्यादा परेशानी है। 3-4 साल से ये गड्ढों में ऐसे लोग गिर जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, क्या नाम है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है और दूसरे लोगों पे जैसे जा रहा होता है बराबर में उस पर छींट आ जाती है। कम से कम निकलने का तो रास्ता सही होना चाहिए। गैर 9 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। अवेरा सवेरा में तो लोग निकलते ही ना, गांव देहातों के लोग बहुत परेशान है। अवेरा सवेरा जाते हैं लोग, मुरादाबाद से काम करके आते हैं मजदूर पार्टी, वो नहीं निकल पाते रात में। क्या नाम? मोहम्मद आकिब पाशा। सर कम से कम 15 साल हो गए ये रोड खराब। 15 साल से यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर सब लोग विधायक सांसद बन जाते हैं लेकिन कोई भी इस रोड के बारे में नहीं सोचता। क्या हालत है सर? रोड देखो, यहाँ पर रोड कहाँ गड्ढे हैं सारे, दुकानदार परेशान हैं सारे, स्कूली बच्चे परेशान हैं, बारिश पड़ी है, देखो क्या हालात है। अरे रास्ता ही बहुत खराब, परेशानी जाए इधर के मरीज का, अगर केस आता है तो बहुत दिक्कत होती है। ये तो बहुत दिन से जमाने होगा, जब से मेरी यहाँ जवानी हुई जब से खराब ही है ये रास्ता। लोग क्या दिक्कत होती है? लोगों को जैसे हम ही मरीज लेके आते हैं, कभी कभी मरीज इसके चलते जो है डिलीवरी गाड़ी में ही हो जाती है गड्ढों की वजह से। हम सोचते हैं जैसे हॉस्पिटल पहुँच जाए तो ज्यादा बेस्ट बात है।